क्या राजकोट वाले वनडे मैच के लिए जो आखिरी मैच है वर्ल्ड कप से पहले उसमें चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले? वेल, आपके जहन में सवाल आएगा भाई चेतेश्वर पुजारा कहां से आ गए, मतलब ना इधर ना उधर ना इधर। पुजारा ने तो इनफैक्ट ओडीआई में शायद डेब्यू भी नहीं किया, टेस्ट मैच में ही खेलते रह गए, आईपीएल में डेब्यू कर चुके हैं, आगे खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये पुजारा वाली खबर इसलिए निकल कर आई क्योंकि टीम इंडिया के पास फिलहाल केवल 13 प्लेयर हैं जो सिलेक्शन के उपलब्ध है, और ये हम नहीं कह रहे, ये रोहित शर्मा ने कहा। रोहित शर्मा ने बताया कि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी भी लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। टीम के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त वायरल से परेशान है। फिर हार्दिक पांड्या नई सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, उनका कुछ फैमिली का इशू हो गया है। शुभमन गिल को उन्होंने पहले कह दिया कि बाबू ये ड्रॉप होने वाले हैं। अक्षर पटेल चोटिल हैं, शमी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, आपके लॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो फिर प्रॉब्लम ये कि क्या 13 खिलाड़ी जिसको लेकर रोहित कह रहे हैं मुश्किलें, उसके बाद पुजारा कहां से, और भी नाम होते। वेल, पुजारा का नाम इसलिए बिकॉज चेतेश्वर पुजारा के साथ एक रोहित शर्मा की तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर बताया जा रहा है कि बुमराह और रोहित शर्मा पुजारा के साथ ट्रेवल कर रहे थे राजकोट की तरफ। अब पुजारा का सिलेक्शन होने वाला है? नहीं जी, सिलेक्शन नहीं होने वाला है, वो साथ में जा रहे होंगे, पुजारा उधरी के रहने वाले हैं सौराष्ट्र के, तो वो इसलिए जा रहे होंगे, सिलेक्शन नहीं है उनका। हालांकि सिलेक्शन के लिए कौन है इसको लेकर बड़ी मारा मारी हो गई, बिकॉज एक्चुअली में केवल 13 प्लेयर है। विराट कोहली की वापसी हो गई है, अच्छी बात है। आपके क्या नाम है जसप्रीत बुमराह, ये भी आखिरी मैच में वापस लौट आए हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार मेरे पास सिर्फ 13 खिलाड़ी हैं और इन 13 में से मेरे को जैसे तैसे चूज करना है, मैंने शुभमन को रेस्ट दे दिया था तो अब वो रेस्ट ही करेगा, उसको नहीं खिलाएंगे। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं शुभमन को क्यों नहीं खिलाओगे, आप शुभमन के साथ क्यों खेल कर रहे हो, बिकॉज जस्ट 26 रन यार, 26 रन बंदे को और चाहिए वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए, मतलब टेक्निकली जो फर्स्ट टाइम आया था, बाकी आईसीसी की रैंकिंग कोई फेर नहीं, हो सकता है कुछ उलट फेर हो जाए वो नंबर वन बन जाए, बट जिस तरह के ऑप्शन शुरू में निकल कर आए थे उसे 200 रन चाहिए थे और वो ऑलमोस्ट नजदीक था। सो मेरे हिसाब से उसको मौका मिलना चाहिए था, 22 रन चाहिए था, 74 पहले में मारे थे उसने, 104 रन दूसरे में, सो 22 रन टेक्निकली चाहिए थे उसे वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए। लेकिन अब रोहित भैया कह रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे, अब हम रेस्ट करा रहे तो करा रहे। सवाल ये भी कि अगर जरूरत पड़ती है तो राजकोट के सौराष्ट्र खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल कर सकते हैं फील्डिंग के लिए, अगर एक दो लोग चोटिल वोटिल हो गए। और पुजारा को लेकर भी खबरें आने लगी, हालांकि पुजारा को खिलाने वाले नहीं है, पुजारा भाई से पड़ती बहुत है और पुजारा भाई बहुत सीनियर खिलाड़ी है इसलिए शायद साथ में हैंग आउट कर रहे होंगे, लेकिन पुजारा बस में ट्रैवल कर रहे थे इसलिए ये खबर जो है ये बहुत ट्रेंड करने लगी, बिकॉज आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कोई खिलाड़ी बस में ट्रैवल करे। लेकिन फिलहाल टीम इंडिया जो है वो राजकोट के लिए तैयार है और इंडिया जाएगी कि अरे मैच जीते, जीत कर जाएगी आगे तो थोड़ा सा हिसाब किताब जो है वो अच्छा रहेगा वर्ल्ड कप में, ऑब्वियसली बात है जी। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनने वाली है उसमें रोहित शर्मा और ईशान किशन जो है वो ओपन करने वाले हैं, ये मेरे हिसाब से आप अपना वर्जन दे सकते हैं, बिकॉज 13 ही खिलाड़ी, 13 खिलाड़ी में पिक करना बहुत ईजी है। सो रोहित ईशान ओपन करेंगे, ये लॉक है। हालांकि ईशान अगर ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब है ईशान का मिडिल ऑर्डर की जगह पक्की नहीं है, मतलब सूर्या और अय्यर ने उनकी मिडिल ऑर्डर वाइज जगह को खा लिया मोटा मोटा, अगर लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन नहीं जाता है तो। फिर 3 नंबर पर कोहली, कोई डाउट नहीं है, अय्यर पहले कह चुके हैं कि भाई इतना बड़ा खिलाड़ी बाहर नहीं बैठता, वो अपनी जगह पर खेलेगा। 4 नंबर पर मेरे हिसाब से केएल राहुल खेलेंगे, अय्यर नहीं खेलेंगे, केएल राहुल मेरे हिसाब से खेलेंगे। 5 नंबर पर अय्यर खेलेंगे शायद, ये मेरे हिसाब से, मुझे लगता है राहुल 4 नंबर पर खुशा गाड़ेंगे कि बाबू यही सबसे जगह है, आप मुझे ओपन कराते हो, आप मुझे कीपिंग कराते हो, मैं कुछ नहीं बोलता हूं लेकिन ये मेरी जगह है, यहां मैं खेलूंगा। उसके बाद 5 नंबर पर आ जाएंगे अय्यर, 6 नंबर पर आएंगे सूर्य कुमार यादव, अभी भी कह रहा हूं 5 और 6 में बहुत बवाल है सूर्या और अय्यर में, सूर्या अय्यर ईशान में कोई एक वर्ल्ड कप में खेलेगा। उसके बाद आ जाएंगे 7 पर जडेजा, 8 पर आ जाएंगे अश्विन, 9 पर आ जाएंगे कुलदीप, 10 पर बुमराह, 11 पर सिराज, ये प्लेइंग 11 होगी जिसमें आपके पास 3 स्पिनर होंगे, 2 तेज गेंदबाज होंगे और मेरे हिसाब से इसी पैटर्न पर ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखने को मिलेंगे जिसमें शमी और अश्विन में कोई रिप्लेस होता रहेगा, बाकी जो पूरी टीम ही जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि जडेजा और अश्विन में रिप्लेस करना चाहिए, शमी को रख लेना चाहिए, पता नहीं, लेकिन जडेजा का वही कि आपको एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन मिल जाता है तो आप उस पर रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन ये कंफर्म है शार्दुल बाहर है, शमी बाहर है। सो ओवरऑल यही टीम है, वॉशिंगटन सुंदर और मुकेश कुमार जो है मुझे लगता है ये डगआउट से मैच एंजॉय करेंगे और पानी वानी जो है उसका इंतजाम इन दोनों के कंधों पर होगा। हालांकि रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जवाब दिया, कहा कि जी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए है, मुझे बस वर्ल्ड कप दिखता है, कोई चेहरा नहीं दिख रहा।
हमने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, 1984 और 1983 में जीते थे और 2011, उस वक्त मैं दोनों टाइम नहीं था, 83 में पैदा नहीं हुआ था, 2011 में मुझे टीम में शामिल नहीं किया गया था, तो मेरे दिल में आज भी वो एज है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं मैच में जाऊं और जीतूं, बस मैच ही होना चाहिए। रोहित सवाल पूछा क्या था, रोहित सबने शतक मार दिया, शुभमन शतक मार दिया है, ईशान अच्छा खेल रहा है, कोहली ने शतक मारा, राहुल शतक मार चुके, अय्यर शतक मार चुके, आप शतक क्यों नहीं मारो? मैंने कहा शतक वतक मारू ना मारू कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रॉफी जीत गया मैं तो मेरे लिए शानदार है। हालांकि खबर यह भी आई कि ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत पसीने बहाए हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है, मैक्सवेल आपको खेलते हुए मिल सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, मतलब कल जो ओरिजिनल ऑस्ट्रेलिया है, दी ऑस्ट्रेलिया, वो मैदान पर उतरकर इंडिया के सामने खेल सकती है। देखते हैं जी हमारा क्या आता है, मतलब ठीक है आएगी आएगी, देखा जाएगा। मुझे लगता है इंडियन टीम मजबूत है, सिराज आपके पास हैं, बुमराह आपके पास हैं, कुलदीप आपके पास हैं, अश्विन आपके पास हैं, आपको और क्या चाहिए, आप जीतो यार, जीत के जाओ।